धन्यवाद सभापति जी। अच्छा ये महोदया, मुझे आपने बोलने का अवसर प्रदान किया। मैं अपने क्षेत्र उज्जैन बाबा महाकाल बाबा की नगरी के एक आपको एक महत्वपूर्ण और जटिल समस्या से अवगत कराना चाहता हूँ। हमारे यहाँ मोक्षदायिनी शिप्रा मैया जो दिन प्रतिदिन प्रदूषित हो रही है, माँ गंगा मैया जैसी मोक्षदायिनी शिप्रा मैया को भी पुराणों में अति महत्वपूर्ण नदी माना गया है। और यहाँ पे उज्जैन की नगरी में सिंहस्थ 12 साल में होता है और वर्ष भर पर्व स्नान होते हैं। देश ही नहीं अपितु विश्व से लोग वहाँ स्नान करने आते हैं। लेकिन इंदौर से जो खान नदी है वो नदी आके उज्जैन में त्रिवेणी संगम में शिप्रा में विलीन होती है। और इंदौर की फैक्ट्रियों का, इंदौर के नगर का जो गंदा पानी माँ शिप्रा में सम्मिलित होता है, जिसके कारण ना तो दर्शनार्थी तीर्थयात्री ना तो आचमन कर सकते हैं ना ही उसमें स्नान कर पा रहे हैं। मैं आपसे के माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, ऐसे ही नमामि शिप्रे प्रोजेक्ट अगर होता है तो हमारी शिप्रा स्वच्छ होगी और तीर्थयात्री और दर्शनार्थियों को उसमें स्नान करने का और पुण्य प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना।